हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विशालताई क्लासेस। आज हम 10th क्लास साइंस सब्जेक्ट के कंप्लीट बोर्ड कोर्स के लिए चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर जाकर आप चेक कीजिए और उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। अब आपके पास 3 इक्वेशंस दी हुई हैं और इन तीनों इक्वेशन में आपको बताना है कि किस तरीके का रिएक्शन हुआ है। पहली इक्वेशन, CaO plus H2O gives us CaOH whole twice. सेकेंड इक्वेशन, 3BaCl2 plus Al2SO4 whole thrice gives us 3BaSO4 plus 2AlCl3. थर्ड क्वेश्चन, 2FeSO4 in presence of heat gives us Fe2SO3 plus SO2 plus SO3. अब ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपका इसलिए डाला है क्योंकि ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप पुराने बोर्ड के पेपर्स उठाकर देखेंगे 10th क्लास के, तो आपको ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में रिपीट होता हुआ दिखाई देगा और इसीलिए मैंने आपके सामने इस क्वेश्चन को रखा है। हो सकता है इक्वेशन थोड़ी अप डाउन हो, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनमें एज इट इज आपके सामने इक्वेशन भी यही मिलेंगी। तो बात कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि दोनों रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट हमें दे रहे हैं, तो इस वजह से ये हुआ हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी चीज की बात करूं दूसरे पार्ट की, तो यहां पर हो रहा है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट भी किस तरीके का, डबल डिस्प्लेसमेंट। और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास एक प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा। थर्ड इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो थर्ड इक्वेशन है हमारी एक डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहां पर एक पूरा का पूरा रिएक्टेंट स्प्लिट्स अप हो रहा है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में, इसीलिए हमने इसे कहा डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंज हैव टेकन प्लेस विद एन एग्जाम्पल ऑफ ईच। अब यहां पर आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ है, केमिकल चेंज। तो इन केमिकल चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन लिखनी है। तो केमिकल चेंज कौन कौन से हैं, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये सारी चीजें देखते हैं कि किस तरीके से आपको रिप्रेजेंटेशन करनी होगी। तो आपके पास इसका आंसर बनकर आता है, पहली इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो जिसमें हमें चेंज करना है सिर्फ कलर, Cu plus AgNO3 gives us CuNO3 whole twice plus Ag। अब यहां पर चेंज क्या हुआ, यहां पर जो हमारे पास सोल्यूशन है ब्लू इन कलर है एंड शाइनी सिल्वर मेटल विल बी डिपॉजिटेड। आपको क्या मिलेगा, यहां पर सिल्वर का मेटल डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा। चेंज इन टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर में हमारे पास आया NaOH plus HCl gives us NaCl plus H2O। यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा और हीट भी यहां पर इवोल्व होगी, तो हीट इवोल्व होने की वजह से ही हमारा यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जब कभी भी हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात करेंगे तो यहां पर आएगा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें यहां पर लिखा हुआ है, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2KI गिव्स अस PbI2 प्लस 2KNO3। अब यहां पर जो येलो प्रेसिपिटेट है वो है हमारा यहां पर PbI2, और यही हमारा हुआ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन का काम करेगा। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राइट केमिकल इक्वेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ। अब आपको केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस लिखनी है, लेकिन कब, जब आयरन रिएक्ट करें हम स्टीम के साथ, मैग्नीशियम रिएक्ट करें हम डाइल्यूट एचसीएल के साथ, और कॉपर को अगर हम हीट करें एयर की प्रेजेंस में। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड सिंपली, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको प्रोडक्ट बताना है कि जब हम लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करेंगे तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर्स इन द चेंज, और आपको केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है प्रॉपरली बैलेंस कर, और स्टेट बतानी है कि क्या केमिकल रिएक्शन होगा। हमारे पास इक्वेशन है लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये 3 चीजें हैं जो हमारे प्रोडक्ट बनकर आएंगे। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा क्योंकि यहां पर हमसे पूछा गया लेड नाइट्रेट, और उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है
PbNO3 होल ट्वाइस, और इसको सिर्फ हमने क्या किया है, हीट किया है। हीट करने पर हमारे पास जो प्रोडक्ट आए वो आया हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन को लेकर। तो प्रोडक्ट आए हमारे पास 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। क्वेश्चन नंबर 12, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड व्हेन मिक्स्ड विद सिल्वर नाइट्रेट। अब यहां पर भी आपको क्या चीज दे दी गई, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट दिया गया, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। An insoluble white substance is formed. Write the chemical reaction involved and also mention the type of chemical reaction. आपको chemical equation लिखनी है और पूरा का पूरा chemical reaction का type भी लिखना है। तो हमारे पास answer निकल कर आता है, हमारे पास क्या चीज है, potassium chloride KCl, और दूसरा है हमारे पास silver nitrate AgNO3। इन दोनों को जब हमने रिएक्ट कराया तो हमारे पास प्रोडक्ट आया AgCl और KNO3। अब आप यहां पर देख लीजिए कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ हमारा। अब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस चीज को अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि इसी में आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और यह आपकी केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा। और हमारे पास जो यहां पर प्रेसिपिटेट बनकर आया वो बनकर आया हमारा AgCl। और अगर आपको बाकी के पूरे वीडियोस देखनी है कंप्लीट, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कीजिए, वहां पर आपको कंप्लीट फुल वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें हम ये सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, लिंक डिस्कस किए गए हैं। आप अच्छे से उन्हें पढ़िए ताकि आपका कंसेप्ट बोर्ड एग्जाम के लिए डे बाय डे इंप्रूव होता रहे। और अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको वहां पर वो वीडियोस प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट डाउन कीजिए अपने इंपॉर्टेंट सजेशन, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें अपने बोर्ड एग्जाम्स तक। साथ ही साथ अपने दोस्तों की भी मदद कीजिए, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अब हम मिलेंगे इसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 5 मार्क्स के साथ।